just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गए हैं सैमसंग का A12 और वीवो का Y20G। दोनों फोनों के बीच में करने वाले हैं कैमरा कंपेयर और आपको बताएंगे दोनों फोनों के कैमरे की डिटेल्स के बारे में और बताएंगे इस फोन से आप किस किस टाइप के फोटो के लिए कैप्चर कर सकते हैं, कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट फोटो कैप्चर करके देता है, कौन सा फोन बेस्ट डिटेल में आपको फोटो देता है क्लिक करके। तो चलिए दोनों में आपको पहले यहाँ पर कैमरे की डिटेल्स बता दें और उसी के साथ साथ दोनों के फोन के जो कुछ कैमरा कंपेयर है वो हम आपको फोटो यहाँ पर दिखाने वाले हैं, जो कि हमने इस फोनों से कुछ फोटो सेम टाइप के कैप्चर किए हुए हैं। आपको देखने को मिलेंगे कि फोन में कौन से में ज़्यादा डिटेल्स अच्छी दिखाई देती है फोन के बीच में। तो यहाँ पर हम कैमरे की बात करें सैमसंग में, आपको सैमसंग में मेन कैमरा देखने को मिलता है 48 मेगापिक्सल का, और यहीं पर बात करें इसके अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस की तो वो आपको देखने को मिलता है 5 मेगापिक्सल, और 2 मेगा का इसमें देखने को मिलता है आपको डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल देखने को मिलता है आपको माइक्रो सेंसर। इस तरीके से आपको इस फोन की कैमरे की डिटेल्स हैं। सेल्फी कैमरे की यहाँ पे बात की जाए तो आपको सामने आपको कैमरा है वो आपको देखने को मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का। यहाँ पे आप करते हैं वीवो के सेट के बारे में बात, तो आपको वीवो में देखने को मिलता है मेन कैमरा यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का, और आपको 2 कैमरे देखने को मिलते हैं, वो हैं आपको डेप्थ सेंसर 2 मेगापिक्सल का और यहीं पर माइक्रो सेंसर आपको 2 मेगापिक्सल का को मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको सेम कैमरा देखने को मिलता है सेल्फी में, आपको यहाँ पे भी 8 मेगापिक्सल देखने को मिल जाता है, जो कि दोनों आपको 1080p पे रिकॉर्ड करने के लिए सपोर्ट देते हैं। अब यहाँ पे बात करें दोनों फोनों की कुछ फोटो डिटेल्स के बारे में, तो उसके लिए हम चलते हैं, कुछ हमने फोटो क्लिक किए हुए हैं उसके लिए हम चलते हैं गैलरी में, और यहाँ आने के बाद आपको कुछ फोटो यहाँ पे दिखाएंगे इस फोन के बारे में जो कि हमने इस फोन में दिन में कैप्चर किए हुए हैं। यहाँ पे लो लाइट में और सभी तरीके की हमने कंडीशन यहाँ पे चूज की थी, जिनका हम पूरी फुल तरीके से आपको डिटेल्स यहाँ पे देने वाले हैं। तो फटाफट से फोन की गैलरी ओपन करते हैं और दिखाते हैं आपको शुरू से लेकर लास्ट तक किस किस तरीके के यहाँ पे हमने कैप्चर किए थे फोटो के लिए। तो सबसे पहला फोटो हमारे यहाँ पे निकल के आता है सैमसंग और वीवो में इस टाइप का। यहाँ पे आप देखेंगे तो फुल डिटेल्स आपको अच्छी तरीके से देखने को मिल जाता है सैमसंग में, जो कि सैमसंग ने काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे डिटेल्स निकाली है अपने फोटो के लिए। तो आप जूम करके देखेंगे यहाँ पे तो सैमसंग में आपको फुल डिटेल्स में शो कराया जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे कैप्चर किया गया है सारा कुछ। और अब यहीं आप वीवो में देखेंगे तो वीवो में कुछ यहाँ पे वाइट ज़्यादा नज़र आ गया है, जहाँ जैसे कि आप देखेंगे सैमसंग में आपको कुछ ऐसा नज़र नहीं आता बिल्कुल, आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे डिटेल्स निकाली गई है सैमसंग के जरिए। अब यहाँ पे दूसरा वॉलपेपर हमारा कुछ इस तरीके का है यहाँ पे, तो देखेंगे यहाँ पे आप हमारे जो कलर्स हैं वो बूस्ट होकर हमें देखने को मिलते हैं सैमसंग के फ़ोन में, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे डिटेल्स निकालता है सैमसंग का फ़ोन, क्योंकि इस फोन में आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। यहीं पर आप वीवो की तरफ बात करें तो वीवो आपको 13 मेगापिक्सल देखने को मिल जाता है। अब साइड बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप सैमसंग का जो फोन है वो कि काफी हद तक यहाँ पे बहुत अच्छी कैप्चर कर रहा है फोटो के लिए। इस वीवो के साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ जो डिटेल्स है वो थोड़ी यहाँ पे कलर की बात करें तो थोड़ा बूस्ट यहाँ पे हो गए हैं कलर, और यहाँ पे लाइट की बात करें तो थोड़ी लो लाइट यहाँ पे कंडीशन नजर आती है। अभी हमने बहुत सारे फोटो क्लिक किए हुए हैं तो देखेंगे आप इस तरीके आपको यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिल जाती है दोनों हैंडसेटों में। फ्रेंड्स, यहाँ पे बता दें आपको दोनों फ़ोनों में जो कैमरा कंपेयर की बात करें तो सैमसंग मेरे हिसाब से यहाँ पे काफ़ी अच्छे मुझे फोटो क्लिक करते हुए नज़र आया। कुछ यहाँ पे वीवो के सेट ने भी फोटो अच्छे क्लिक किए हैं, वो भी आपको आगे पता चलने वाले हैं, आगे देखते रहिए। आपको मैंने बहुत सारे फोटो क्लिक किए हुए हैं जो कि आप बहुत अच्छे से यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। अब इस फोटो में आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल्स कुल मिला के दोनों फ़ोनों के सेम है, थोड़ा अंतर यहाँ पे नज़र आता है आपको, और इधर देखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ भी आपको सैमसंग ही नज़र आता है अच्छा फोटो क्लिक करते हुए। और बहुत सारे फोटो हमने क्लिक किए जब से कि आप यहाँ देखेंगे आपको सैमसंग के फ़ोन है उसमें आप जब जूम करेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्स किया है सैमसंग ने अपने फोटो क्लिक करने में। और यहीं पर वीवो की तरफ देखेंगे आप तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वीवो ने कुछ खास यहाँ पर काम नहीं कर पाया, और यहाँ पर साइड की तरफ देखेंगे तो बैकग्राउंड में भी बहुत अच्छी डिटेल्स निकालता है सैमसंग का फ़ोन। इसी के साथ आपको बहुत सारे फोटो यहाँ पर क्लिक करके हमने देखा है, यहाँ से थोड़ा सा बैक करेंगे साइड करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कितने अमेजिंग तरीके से यहाँ पे वीवो ने कैप्चर किया है ये वाला फोटो। और यहीं पे आप सैमसंग की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो बैकग्राउंड है वो सैमसंग बहुत अच्छे से डिटेल्स करता है, मतलब आप देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड जो हमारा है वो केवल ब्लर हो चुका है हल्का हल्का, जबकि मैंने ये नॉर्मल मोड में कैप्चर किया है फोटो, जहाँ कि हम ब्लर करके फोटो को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा हमारी डिटेल्स इस तरीके की नज़र आती है जो कि हमें सैमसंग में ऑटोमेटिकली देखने को मिलती है। यहाँ पे कलर की बात करें बहुत अच्छे से बूस्ट किए हैं सैमसंग ने कलर किए, पर यहाँ पे वीवो में कुछ जो हमारा फोटो का कलर था वो सेम इसी तरीके था जो कि नेचुरल फोटो यहाँ पे वीवो में देखने को मिला है। सैमसंग यहाँ पे कुछ फोटो के लिए बूस्ट कर रहा है, कहीं कहीं आपको बूस्ट यहाँ पे कलर देखने को मिलेंगे सैमसंग में। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके का फोटो, तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे भी आपको सैमसंग काफ़ी अच्छा फोटो कैप्चर करते हुए नजर आता है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कुछ इस टाइप के फोटो, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सैमसंग का फोन काफ़ी अच्छे फोटो निकालता हुआ।
यहाँ पे कई तरह के मैंने फोटो क्लिक करने की कोशिश की। अब जैसे कि ये वाला फोटो है, यहाँ पे आपको वीवो ज़्यादा अच्छा फोटो निकालते हुए नजर आया, जो कि काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे डिटेल्स निकाली है वीवो के फ़ोन ने। तो यहाँ पे आपको शायद यहाँ पे वीवो का जो फोटो है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे कुछ हद तक यहाँ पे वीवो ने सही तरीके से यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश की थी। अब यहाँ पे आप साइड करेंगे इस फोटो को, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सैमसंग यहाँ पे कोई भी कलर हो उसके लिए बूस्ट करता है। तो जैसे कि हमारा जो नॉर्मल बादल का जो कलर है वो इस टाइप का है, यहाँ पे सैमसंग ने उसके लिए भी बूस्ट कर दिया है। तो सैमसंग का फ़ोन है उसमें कुछ यहाँ पे बूस्टेड कलर देखने को मिले हैं। अब यहाँ सेल्फी की बात करें तो देख सकते हैं सेल्फी में सैमसंग ने यहाँ पे बाजी मार ली, जो कि काफ़ी स्मूथ फोटो यहाँ पे नज़र आया मुझे बहुत अच्छा लगा सैमसंग का। इसमें 8 मेगापिक्सल आपको देखने को मिलता है, पर यहाँ पर डिटेल्स की बात करें इस फ़ोन की तो काफ़ी अच्छे तक यहाँ पर फोटो आप ले सकते हैं सैमसंग के फ़ोन से। हालांकि आपको वीवो भी यहाँ पर कुछ गलत नहीं देता, सही आपको वीवो भी में सही देखने को मिल जाते हैं फोटो, बट यहाँ पे सैमसंग वीवो से कंपेयर करते हैं अगर सैमसंग A12 को तो यहाँ पे वीवो हारने वाला है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं जो कि वीवो ने भी अच्छी निकाली हैं, तो वो भी हम आपको आगे दिखाते हैं। जैसे कि ये वाला फोटो है हमारा, तो हमने ये क्या किया था फ्रेंड, जहाँ पे हमारा सूर्य था उस तरफ हमने अपना फ़ोन का कैमरा किया और फोटो क्लिक करने की कोशिश की। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा वीवो का हैंडसेट है उसने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे डिटेल करके हमारा फोटो क्लिक किया। तो जैसे कि देखेंगे यहाँ पे आपको सैमसंग में कुछ वाइट नज़र आता है, हालांकि यहाँ पे वीवो ने बहुत अच्छे से कैप्चर करने की कोशिश की थी, पीछे का बैकग्राउंड काफ़ी हद तक यहाँ पे कंट्रोल किया। और देखेंगे सैमसंग के कंपेयर विद वीवो, आपको यहाँ पे वीवो का फ़ोन में जो कैमरा है सेल्फी वो काफ़ी हद तक यहाँ पे अच्छे से सब यहाँ पे क्लिक किया गया। अब इस फोटो की यहाँ पे बात करें तो सैमसंग में मैंने ब्लर लगाया था और वीवो में ही लगाया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको वीवो में कोई भी ब्लर नज़र नहीं आया। यहाँ हालांकि यहाँ पे आपको सैमसंग ने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ब्लर किया था फोटो के लिए, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे डिटेल्स आपको देखने को मिली। तो कुछ जगह यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र आई, जैसे कि यहाँ पे इस तरह देखेंगे कान की तरफ आपको कुछ हल्का हल्का कटिंग नज़र आता है आपको, बट आप दूर से देखेंगे फोटो के लिए तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। तो सेम टाइप के यहाँ पे फोटो क्लिक करने की कोशिश की थी, तो मैंने ब्लर किया था दोनों फ़ोनों में। यहाँ पे आपको सैमसंग में तो ब्लर देखने को मिला, बट आपको वीवो के सेट में ब्लर देखने को नहीं मिला। मतलब वो अपने मन से ही फोटो क्लिक करता है ब्लर में, और हो सकता है कहीं कहीं आपका ये प्रॉब्लम करे ब्लर में, तो मुझे यहाँ पे ब्लर में थोड़ी प्रॉब्लम लगी वीवो वाई 20G में। हालांकि सैमसंग में कोई मुझे ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आई भी ब्लर की तरफ से, काफ़ी अच्छी डिटेल्स में यहाँ पे ब्लर किया सैमसंग ने फ़ोटो के लिए। और इधर देखेंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे फ़ोटो क्लिक किए हैं सेम टाइम के, और सेम ही मैंने ब्लर किया था, सेम टाइम में फ़ोटो क्लिक किया था, तो सेम फ़ोटो आपको देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे सैमसंग की बात करें, सैमसंग ने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ब्लर किया फ़ोटो के लिए और काफ़ी मतलब अमेजिंग तरीके से यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश की थी। वीवो में आपको कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा, मैंने यहाँ पे भी ब्लर करके मैंने फ़ोटो क्लिक किया था। यहाँ पे मेरा फोटो है, यहाँ पे कुछ मेरे बाल तो थोड़े गड़बड़ हुए हैं ब्लर में, बट जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ कुछ इस तरह की डिटेल्स देखने को मिल जाती है। बट यहाँ पे काफ़ी सही तरीके से सैमसंग ने काम किया था, यहाँ पे सैमसंग में काफ़ी अच्छी तरीके से ब्लर देखने को मिला था आपको, बट यहाँ पे वीवो का जो फ़ोन है उसमें आपको ब्लर देखने को नहीं मिल रहा है। मैंने दोनों फ़ोनों में ब्लर किया था, बट यहाँ पे सैमसंग ने तो काफ़ी अच्छे से ब्लर की कोशिश की थी लगाने की, बट यहाँ वीवो का फ़ोन यहाँ पे ब्लर नहीं कर पाया था। अभी मैंने फ़ोटो क्लिक किए थे मेन रोड से, कुछ सूर्य की तरफ यहाँ पर घुसनी पड़ रही थी, वहाँ पर फ़ोटो देखेंगे तो आप देखने को मिलेगा वीवो के फ़ोन में कुछ लो लाइट कंडीशन, और यहाँ पर आपको सैमसंग कुछ ब्लू बूस्ट कलर करते हुए नज़र आया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा सैमसंग का यहाँ पे कैमरा। आप ही यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं, क्योंकि दोनों फ़ोनों में आपको सेम कैमरा देखने को मतलब आपका जो सेल्फी कैमरा है वो तो सेम देखने को मिलता ही है, बट यहाँ पे बैक कैमरे की बात करें तो उसमें 48 मेगा है और उसमें 13 मेगा पिक्सल, तो फ्रेंड ये भी कुछ फ़र्क पड़ जाता है यहाँ पे वीवो का फ़ोन में। बट यहाँ पर कुल मिला के वीवो का फ़ोन भी अच्छे कैप्चर कर लेता है फोटो के लिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ इस तरह के इसमें डिटेल्स निकल गया ये हमारे सामने। यहाँ पे मैंने शाम का टाइम था और ये लो लाइट थी, तो लो लाइट कंडीशन में फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको वीवो के फ़ोन में आपकी जो लाइट है यहाँ पे इस लाइटिंग जो आपका नॉर्मल कलर था वो ये था, और यहाँ पे सैमसंग ने उस कलर के लिए थोड़ा बूस्ट कर दिया। मतलब अगर आप बूस्ट करके फ़ोन के फोटो हैं वो क्लिक करना चाहते हैं तो आपके लिए सैमसंग बहुत बेस्ट होने वाला है। यहाँ भी आपको देख सकते हैं इस तरीके के फ़ोटो देखने को मिले थे, मैंने नाइट में यहाँ फोटो क्लिक किए थे जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ तो डे लाइट थे। अब यहाँ पे जैसे कि ये फोटो है इस टाइप का, ये भी मेरा शाम का ही फोटो था। अब मैं नाइट का फोटो यहाँ पे क्लिक करके दिखाऊँ तो देख सकते हैं यहाँ पे भी नाइट में भी सैमसंग ने बाजी मार ली है। सैमसंग ने आपको जो फोटो है वो थोड़ा पीला कर दिया है, सैमसंग ने कुछ पीलापन दे दिया है फोटो में, कुछ पीला हमें फोटो हो चुका है हमारा। बट यहाँ पे वीवो ने क्या किया, वीवो ने
इस फोटो में सैमसंग ने थोड़ा पीलापन कर दिया चेहरे पे, बट यहाँ पे वीवो के फ़ोन ने यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं किया है। यहाँ पे आपको चेहरा कुछ रेड रेड कलर का नज़र आएगा, बट यहाँ पे थोड़ा कालापन है। सैमसंग में बिल्कुल फुल डिटेल्स में आपका चेहरा बहुत अच्छे से क्लियर यहाँ पे शो हो जाता है। तो देखेंगे दोनों फ़ोनों में डिटेल्स काफ़ी अच्छी नज़र आती हैं। तो कुल मिला के कैमरा जो हमारा सेल्फी कैमरा है वो सेम टाइप का आपको देखने को मिलता है वीवो वाई 20 वर्सेस वीवो वाई 12। तो कुछ यही डिटेल्स हैं यहाँ पे, कुछ यही टाइप के मैंने फोटो क्लिक किए थे दोनों फ़ोनों से, जो कि आपको समझ में आ चुके होंगे कि फ़ोन में किस किस तरीके का यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं फोटो और कौन से फ़ोन में बेस्ट कैमरा है, ये आप समझ चुके होंगे। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।